छाता सब्जी मंडी विक्रेताओं द्वारा समाधान दिवस में उप जिला अधिकारी छाता श्वेता को भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिगंबर चौधरी के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने उप जिला अधिकारी छाता श्वेता सिंह से मांग की कि सब्जी विक्रेताओं को सब्जी मंडी लगाने के लिए एक स्थायी जगह दे दी जाए तथा छाता पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार उन्हें मंडी वर्तमान स्थल से हटाए जाने को कहा जा रहा है। आपसे जाने, आज जो समाधान दिवस लगाया गया उसमें आपने एसडीएम साहिबा को एक ज्ञापन दिया है या एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, किस कुछ संबंध में क्या कुछ मामला है? देखिए, आज उप जिलाधिकारी महोदय से छाता सब्जी मंडी स्थल जो है, छाता सब्जी मंडी स्थल जब वर्तमान में जिस स्थल पर लगा हुआ है उसको हटाने का निर्देश प्रशासन के द्वारा मां से दिया गया उनको, और सब्जी मंडी विक्रेताओं ने हमें समस्या से अवगत कराया। कोतवाली प्रभारी महोदय से संदर्भ में वार्ता हुई तो उन्होंने बताया था कि इस सब्जी मंडी स्थल को यहाँ से, चूंकि सरकारी जगह, यहाँ से विस्थापित किया जाए या दूसरी जगह स्थापित किया जाए, तो हमने उसके लिए जिलाधिकारी महोदय को इस संदर्भ में अवगत कराया है कि या तो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सब्जी मंडी विक्रेताओं को इस संदर्भ में जगह उपलब्ध कराएं, सब्जी मंडी जहां भी वो लगा सकें, अन्यथा की स्थिति में सब्जी मंडी जहां है वहीं उनको सब्जी मंडी लगाने दी जाए, तब तक उनको, जब तक नगर पंचायत छाता के द्वारा और प्रशासन के उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा छाता सब्जी मंडी के लिए नवीन स्थल की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, तब तक वहाँ किसी भी प्रकार से प्रशासन द्वारा इन सब्जी मंडी विक्रेताओं को सब्जी मंडी लगाने से न रोका जाए, किसी प्रकार से परेशान न किया जाए, ऐसा ऐसा का ज्ञापन मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को दिया है। तो क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन उन्होंने बिल्कुल दिया है, क्योंकि दोनों ही पार्ट प्रशासन के हैं, तो उन्होंने दोनों से ही इस संदर्भ में आक्षा मांगी है, और आक्षा मांग करके उन्होंने यू छाता से भी, और मैंने कोतवाली प्रभारी महोदय छाता से भी, दोनों से ही इस संदर्भ में रिपोर्ट तलब करके तत्पश्चात क्या आपत्ति है, क्या अनापत्ति उसमें है, अनापत्ति है तो लगेगा, आपत्ति यदि उसमें रहेगी तो आपत्ति किन कारणों से है और उसका क्या समाधान हो सकता है, उस समाधान के बाद फाइनल निर्णय इस संदर्भ में हो पाएगा, तब फाइनल लिमिट होगा। तब तक सब्जी मंडी विक्रेता वहीं पर अपना सब्जी बेचने का कार्य करेंगे, जो सब्जी मंडी वहाँ से अभी उसको जो विस्थापित करने की जो बात थी, फिलहाल सब्जी मंडी विस्थापित नहीं, तब तक जो जाँच कर लें, उसके बाद जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के आधार पर इस संदर्भ में हमने जिला।